अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साकिब मुनीर और इस वक्त हमारे साथ हांगकांग टीम के कैप्टन नज़ाकत खान मौजूद हैं। पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, अटक से इनका तल्लक है और ये इनके साथ हम बातचीत करेंगे कि हांगकांग की टीम फर्स्ट टाइम एशिया कप खेल रही है, क्वालिफाई किया है टीम ने हांगकांग की, तो ये इंडिया के साथ भी इनका मैच है, पाकिस्तान के साथ भी मैच है, तो ये इनका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा और आगे से इनका क्या गोल्स हैं जिनको अचीव करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नज़ाकत भाई, पहले तो वेलकम आपको, क्रिकेट में आप क्वालिफाई किया है, बड़ी खुशी की बात है कि आप यहाँ पर एशिया कप में खेल रहे हैं, तो कैसा फील आ रहा है आपको? एक्चुअली ये हमारा चौथी बार है एशिया कप हमारा खेलेंगे हम एज अ हांगकांग टीम और ऑफ कोर्स फीलिंग तो बहुत अच्छी है, एक्साइटेड है हम इसके लिए पाकिस्तान और इंडिया के साथ खेलना, तो ऑफ कोर्स वो इट्स अ ड्रीम कम थ्रू। और क्या नाम है, हम इन टीमों में ऐसे प्लेयर हैं जिनको हम देख के हमने ऑब्वियसली क्रिकेट स्टार्ट की है हमारे जो टीम में जो बच्चे हैं और हम इन दो मैचों को रेडी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज टू गेम्स। तो कितना मुश्किल हुआ हांगकांग की एक टीम बनाना और उसके बाद आप उसको लीड कर रहे हैं, और कितने प्लेयर्स जो हैं हांगकांग के इसमें जो हैं इंटरनेशनल और पाकिस्तान से कितने हैं, कौन कौन से मुल्क से आप? हमारे ऐसे हमारे उधर का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है, अंडर 11 से उधर लीग्स होती हैं बच्चों की और हम भी उधर से ही आए हैं, स्कूल क्रिकेट से ही आए हैं, अंडर 11 से ही आए हैं और क्या नाम है दूसरा क्या नाम है और ऐसे ही हमने नेशनल टीम में आए और आगे तक पहुँचे। अच्छा, पाकिस्तान में आप किस प्लेयर को फेवरेट समझते हैं कि ये जो है पाकिस्तान में और आप उनको फॉलो भी करते हैं? इस टाइम में तो ऑफकोर्स बाबर आजम ही है, दुनिया में सबसे बड़े नामों में से उनका नाम है, जैसे कि वो प्लेयर है, जैसे उन्होंने कंसिस्टेंट लेवल पे परफॉर्मेंसेस दी हैं और कर भी रहा है अभी, उसको देख के ऑब्वियसली इज वन ऑफ माय आइडियल एज वेल। तो आप पाकिस्तान आके पाकिस्तान टीम के साथ कोई सीरीज या कुछ इस तरह खेलने का कोई प्लान है आपका, या चाहते हैं कि कोई ऐसी पीसीबी के साथ आपकी बातचीत चले हांगकांग क्रिकेट की? क्यों नहीं, इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड हमारा क्रिकेट हांगकांग विल कोऑर्डिनेट विद पीसीबी और फॉर ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान ऑफ कोर्स, वो तो हम तो चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में पाकिस्तान में आए और क्या नाम है उधर भी ट्रेनिंग करें, उधर भी टीम्स के साथ मैचेस खेलें, तो इट विल बी अमेजिंग अगर वो। तो बाकी भी जो आपकी प्लेयर्स हैं जो फुल तैयार हैं मेंटली तौर पे, आपकी ट्रेनिंग भी यार, तो कैसी ट्रेनिंग चल रही है, तो कैसा देख रहे हैं अभी अपनी टीम को आप अगर पाकिस्तान के साथ मैच देखें? हम 3 महीनों से हम टूर पे हैं, हमारे डिफरेंट टूर्नामेंट्स में वर्ल्ड कप क्वालिफायर थे, चैनी लीग भी हमने खेली है, तो हम 3 महीनों से वेल प्रिपेयर्ड हैं और इंशाल्लाह हम जैसे हमने ओमान में क्वालिफायर में हमने खेला, इंशाल्लाह हमारा पूरी उम्मीद है हम इंशाल्लाह इधर आए, हम इधर जीतने के लिए आए और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नज़ाकत खान साहब, आपकी टीम को हमारी तरफ से भी दुआएं हैं, विश के आपकी टीम जीते आगे आए, इसी तरह अगर आए हम बाहर हों क्रिकेट की पाकिस्तान में आके आप सीरीज़ खेलें। मुझे दीजिए नाज़रीन इजाज़त, यहाँ से साकिब मुनीर आपका होस्ट, इनके साथ गुफ्तगू आपने सुनी, विलिंग है काफ़ी, खेल रहे हैं और 3 माह से ये क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त मैच होने वाला है और ये भी बड़े एक्साइटेड हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है आप बता सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।